Hello everyone, this is Brijal and Palan from Inspiration. We are having another guest today from all the way to Pakistan, a playwriter of much-loved Ramadan plays Suno Chanda Season 1, Season 2, Ish Jalebi and Chupke Chupke. You've guessed it already, yes, she's none other than Saima Akram Chaudhary. We take an immense pride in telling you that we are the first Indian media she has spoken to. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत खुश हूँ कि आज आपसे बात करने का मौका मिला है. इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर कि आपने हमें चूज किया. यू चूज टू स्पीक विद अस बीइंग वेरी सेकंड गेस्ट ऑन इंस्पिरेशन एंड यू आर अ सर इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. गुजरात कच्छ में रहती हूँ. यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर काफी पास में है, बट अच्छा हम वैसे बहुत क्लोज पड़ोसी हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पास पास हैं और जो है चीजें एक जैसी हैं, लैंग्वेज एक जैसी है. हाँ आप तो बड़ी प्यारी हैं. थैंक यू, आप भी बहुत प्यारी हैं और थैंक यू. वैसे मेरे लिए एक्साइटमेंट पाकिस्तान आने के बराबर है आपसे मिलना. अच्छा, मोस्ट वेलकम. जब भी आए पाकिस्तान जरूर कराची में आए या इस्लामाबाद आए, तो हम लोग यही होते हैं, कभी इस्लामाबाद होते हैं, कराची होते हैं. मुझे खुद बड़ा शौक है आप लोगों का जो फिल्म सिटी है उसको देखने का, जो बम्बई में है. जी जी, वो दिल करता है कि देखूं. दूसरा, मैं आप लोगों की जो जी आपका जो पंजाब का जो सिनेमा है ना, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ. मैं खुद पंजाब जाना चाह रही हूँ बहुत वक्त से. मेरी इच्छा है मैं गोल्डन टेम्पल विजिट करूँ, बट मुझे लगता है अब मुझे ये प्रिविलेज मिलेगा कि मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँ और मैं भी खुद वहाँ पहले. हाँ जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम. जब आई वुड लाइक टू हैव यू इन माय कंट्री एज अ गेस्ट और मुझे बहुत खुशी होगी. इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, क्योंकि बहुत आप जब बुलाएंगी मैं जरूर आऊंगी. और आप मुझे ये बताएं, आप कैसी हैं, घर पे सब कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ. मैं आपको सच बताऊं तो मैं ये इंटरव्यूज वगैरह से बहुत एलर्जिक हूँ ना. आजकल उतनी ही मुझे कॉल्स आ रही हैं इंटरव्यूज की, और वो ना मुझे यूं लगता है कि जैसे बार बार रेपिटेशन हो रही है ना. हाँ. एक तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं तो मैं उनके किस तरह से एक जैसे जवाब दे दे के ना थक गई हूँ. थक जाते हैं तो वो बस अब मैंने सोचा ये लास्ट है, उसके बाद अब मैंने मुझे कुछ नहीं करना ना, ये है. बट मैं इस बात का प्रिविलेज ले रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इंडिया से हम फर्स्ट हैं जो इंस्पिरेशन जो आपसे बात कर रहे हैं मीडिया से बिल्कुल ऐसा ही है पैनल से. सो मैं बहुत खुश हूँ एंड थैंक यू फॉर दिस प्रिविलेज एंड ऑनर. मेरे फोर फादर्स पाकिस्तान से हैं. दे ऑफन अच्छा, मेरे जो फोर फादर्स हैं वो सारे इंडिया से आए हैं. कुछ जालंधर से आए हैं, कुछ शिकारपुर से आए हैं. तो मेरे फादर इन लॉ जो है जिनसे इंस्पायर होके मैंने इश्क जलेबी का एक कैरेक्टर था वो लिखा था, बाऊ जी का. वो उनकी जब तक उनकी डेथ नहीं हुई उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो इंडिया जाएं और वो अपने सारे इलाकों को देख के आए. बल्कि पाकिस्तान बनने के 10 या 12 साल तक वो पाकिस्तान नहीं आए थे, वो इंडिया में ही रहे हैं. तो उनकी इतनी ज्यादा अटैचमेंट थी अपने अपने इलाके के साथ, अपनी सिटी के साथ. तो बहुत याद करते थे वहां की चीजों को और मुझे बैठ के बताते थे कि जब पाकिस्तान बना था तो मेरी इतनी एज थी. फिर वो 14 इयर्स के हो गए थे, उसके बाद वो पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान बने हुए उस वक्त काफी टाइम हो चुका था, काफी साल हो गए थे. उसके बाद वो वहाँ पे आए, उनका दिल ही नहीं कर रहा था इंडिया को छोड़ के आने को. बट इसे भी अभी भी आप अपना घर ही समझ सकते हैं, घर ही है. चले मोस्ट वेलकम, कभी मौका मिला जिंदगी ने तो जरूर इंशाल्लाह ताला. और आप जानती हैं अब कि अब यहाँ पे आपका घर है. हाँ जरूर, डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप सब बहुत स्वीट हैं. मतलब जब भी जैसे कि आपसे मैंने बात मैसेज किया तो जब आपका रिप्लाई आया तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती. और जब सुनो चंदा चल रहा था
और उसके वो सीजन टू या वन खत्म होने के वन या टू खत्म होने के बाद मैंने नादिया जी को भी मैसेज किया था, जस्ट टू एक्सप्रेस माय, इट वाज अ फैन मैसेज. तो उन्होंने बहुत स्वीटली रिप्लाई किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि आप इतना वैल्यू करते हैं सब सब चीजों को और अप्रिशिएट करते हैं. थैंक यू सो नहीं, मच. नादिया जी तो बहुत फ्रेंडली है, बड़ी अच्छी खातून है. जी नादिया जी जो है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो सोनू चंदा के बाद मेरे किसी और सीरियल में काम करें और हाँ दोबारा से फिर वही वाली एनर्जी जो है वो मैं नजर आए. तब जी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है. जी अब हम बात ही कर रहे हैं तो हम शुरुआत ही सुनो चंदा से करते हैं. एक बहुत ही फैबुलस शो जो रमदान में आपने बनाया और वो ऐसे लोगों को पसंद आया जो अब वो ऐसे हमारी जिंदगी का हिस्सा है, अरसल और जिया जैसे, राज और सिमरन है डीडीएल जैसे. अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी फरहान से बात हो रही थी, अभी जस्ट 5 मिनट्स पहले ना, जी कुछ नया मेरा एक सीरियल था, मैं उस पर बात कर रही थी क्योंकि लोग बहुत चाह रहे थे कि जिया और अरसल दोनों जो हैं हाँ वो एक साथ उनको नजर आएं. तो जी फरहान, मेरा ख्याल है कि आपको बहुत जल्द नजर आएंगे. इकरा का थोड़ा सा इशू है कि वो अभी उन्होंने ब्रेक लिया एक्सपेक्ट हुआ है. है, तो कुछ टाइम के हाँ बाद. हाँ, तो मुझे लगता है कि सोनू चंदा के जो फैंस हैं उनको एक अच्छी गुड न्यूज मिलेगी सुनने जी को, तो होप हाँ फॉर द बेस्ट. क्या होता है, सोनू या चंदा तो बिल्कुल एक फेनोमिनल वो था. उसकी उसकी जो इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग थी कि मुझे अभी तक तो यकीन नहीं आता. अभी मेरे 2 सीरियल्स ऑन एयर आ चुके हैं सोनू जी चंदा के बाद भी, लेकिन लोग हाँ अभी भी यही चाहते हैं कि उनको सोनू चंदा ही सीजन 3 जो है वो दिया जाए. जी तो अब देखते हैं क्या होता है, कि डिपेंड करता है ये चैनल के ऊपर, डिपेंड करता है ये प्रोडक्शन हाउस के ऊपर कि किस तरह से होती हैं चीजें. हाँ पर ये एक है कि हम इस साल वेरी मच एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीजन 3 आएगा, क्योंकि यूट्यूब का ऐसा कोई चैनल नहीं है जहां पे वो लिखते थे कि सुनो चंदा कमिंग, सुनो चंदा 3 कमिंग. तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने नादिया जी को भी मैसेज किया. मैंने मतलब पॉसिबली जो भी मैं फॉलो कर रही थी, इकरा को या फरहान जी को, तो उन उनसे मैंने मतलब आई वांटेड टू हैव कॉन्फर्मेशन कि ऐसा आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो भी चैनल्स थे वो कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दे पा रहे थे. और बिल्कुल अभी बिल्कुल सही. जो हम बात कर रहे हैं सुनो चंदा की, तो ये कैसे फॉर्म हुआ? मतलब आपने पहले ही डिसाइड किया था कि आप कॉमेडी में लिखेंगी, और ये जो इतने लव्ड कैरेक्टर्स हैं जो उनका फाइट करना और फिर मिलना और बहुत ही स्मूथली सब जाना. मैं सच बताऊं तो मैं बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मैं कॉमेडी लिखना ही नहीं चाहती थी ना. मुझे हाँ लगता था कि ये बहुत मुश्किल काम है और मैं नहीं लिख सकूंगी कि मैं इस टाइप की चीजें जो है, लेकिन मैं शायद अंदर से खुद जो है वो वैसी ही शरारती हूँ, वैसी ही चुलबुली सी हूँ जैसे जिया है. जी जैसे अभी हमारी आयजा गई है, खैर अब तो हाँ बहुत चेंज आ गया है. अब तो शुरू में मेरा कुछ इस तरह का स्टाइल होता था, अब तो चूंकि जब से मैं जॉब में आ गई हूँ तो अब वो ओके okay. चीजें नहीं मैं कर सकती ना. तो जी ये सुनो चंदा जो है ये बस मुझे लगता है कि एक हादसाती तौर पे जो है वो चीज बन गई थी. हम बिल्कुल भी हमें इस चीज की तवक्को नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन हासिल करेगा, इसकी इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग होगी, ये इतना रेटिंग चार्ट पे जाएगा, हम इसका सीजन 2 भी बनाएंगे. ये तमाम चीजें किसी के भी माइंड में नहीं थी, ना मेरे, ना डायरेक्टर के, ना प्रोडक्शन हाउस के. तो ये बस हो गया, जैसे कुछ ओके चीजें एक्सीडेंटली हो जाती है ना, तो बस ये हाँ हो गया ना. पर तो इसके जो उस कैरेक्टर्स हैं, मतलब जैसे बीजान है तो मैं उनसे रिलेट करती हूँ, क्योंकि आई कैन आइडेंटिफाई माय दादी विद हर. तो ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं, नादिया जी है, मतलब शहाना का जो कैरेक्टर है, शी इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो जब आप जब राइटिंग करते हैं तो ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन होता है कि इस हर किस किस टाइप के नेचर कैरेक्टर्स में होने चाहिए, बिकॉज फैमिली बहुत बड़ी होती है. फैमिली बहुत बड़ी होती है और हम लोग मोस्टली, आपके यहाँ थोड़ा सा काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, हमारे यहाँ वन मैन शो होता है. स्क्रिप्ट राइटिंग में एक ही बंदा होता है जो कि डायलॉग्स लिख रहा है, एक ही बंदा है जो स्क्रीन प्ले लिख रहा है, एक ही बंदा है, यानी कि सब कुछ जो है वो राइटर ही कर रहा होता है. हाँ स्टोरी भी, इसका कैरेक्टर स्केच भी. आप लोगों के हाँ, एक दो मेरी मीटिंग्स हुई है तो वो लोग बहुत हैरान हो रहे थे कि अच्छा ये सारा आप लोग अकेले करते हो, आपके यहाँ पे शायद जी टीम वर्क होता है ना, हाँ तो हमारे टीम यहाँ इस तरह से नहीं होता.
तो सुनो चंदा का भी ये हुआ था कि पहले मैंने कैरेक्टर्स बनाए थे इसके के जो हीरो है उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, हीरोइन है तो वो इस तरह से फुल ऑफ एनर्जी हो, कॉन्फिडेंट हो, उसको बड़ी एम्बिशियस हो। तो इसी तरीके से हर कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से डिफरेंट रखने के लिए मैंने कुछ कॉन्शियसली जो था वो उनके अंदर चीजें डाली थी ताकि वो स्क्रीन के ऊपर थोड़े डिफरेंट नजर आए। तो ये एक आप कह सकते हैं कि शौरी कोशिश थी और उसके नतीजे में सुनो चंदा जो है वो बना। और ये सिर्फ एक सुनो चंदा के साथ ही प्रैक्टिस नहीं होती, हमारा कोई भी सीरियल होता है तो हम उसमें सबसे पहले कैरेक्टर स्केच ही बनाते हैं। जब कैरेक्टर्स बन जाते हैं, बीइंग अ राइटर अगर मैं कहूँ कि मैं अगर करती हूँ तो मेरा ये स्टाइल है कि मैं जब कैरेक्टर्स बन जाती हूँ तो उसके अंदर से स्टोरी खुद निकाल लेती हूँ। तो फिर कैरेक्टर्स खुद बता रहे होते हैं स्टोरी को हमने कैसे रन करना है। तो सुनो चंदा के साथ भी इस तरीके से हुआ था। पर इसके साथ एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये है डीजे का, जो पूरी फैमिली को ऐसे टोपे रखता है वीडियोस बना के, एंड ही इज द यंगेस्ट बिजनेसमैन इन द फैमिली। तो ये इसके बारे में कुछ बताइए, मतलब दिस इज जस्ट फिनोमिनल। एक्चुअली बात ये थी कि जब सुनो चंदा को डिजाइन किया जा रहा था तो मेरे जहन में एक चीज थी कि मैं कोई ऐसा ड्रामा लिखूं जो कि घर का हर फैमिली मेंबर जो है उसे रिलेट कर सके। जी, उसके लिए मुझे एक बच्चा चाहिए था, चाहे वो एक बेबी गर्ल होती है बेबी बॉय होता। तो वो माशाल्लाह डीजे जो था वो थोड़ा मेरे जहन में आ गया कि ये कैरेक्टर एक लड़के का होना चाहिए जो इस टाइप का हो, और जिस तरह से आजकल के हमारे बच्चे हैं जो कि टेक्नोलॉजी को जिस तरह से यूज करते हैं हमसे ज्यादा वो जानते हैं चीजों को रन करना। तो ये सोच के डीजे का कैरेक्टर जो था वो बनाया गया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसकी कास्टिंग बहुत अच्छी मुझे मिल गई। मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में फिक्रमंद थी, लेकिन जब मुझे एसन भाई ने ये जो अपने डीजे का के एक दो शॉट्स लेके भेजे तो फिर मुझे तसल्ली हो गई कि नहीं ये बच्चा जो है वो कर लेगा। उसके बाद फिर मैंने कोशिश करके इसका कैरेक्टर जो था वो थोड़ा सा बढ़ा दिया था। फिर उसके लिहाज से पहले वो अगर वो बच्चा इतनी अच्छी एक्टिंग ना कर रहा होता तो शायद मैं उसको ज्यादा आगे तक ना लेके जाती। और इसी तरीके से फिर मैंने एक बड़ा एज ग्रुप जो था बीजान वाला एज ग्रुप जो था वो लिया, फिर उससे थोड़े छोटे, फिर यंगस्टर्स, इस तरीके से हर एज ग्रुप का लिया था ताकि एक फैमिली वाला सेटअप लगे, एक फैमिली वाला घर लगे। तो ये एक सॉरी मेरे बीच में कॉल आ रही है, एक मिनट मैं इसको जरा डिस्कनेक्ट कर दूं। जी एक्चुअली मैं इतनी ज्यादा ना तो कभी इसको यूज किया, अब मुझे इसको समझ नहीं आ रही इसको मैं करूं कैसे। ना आप बिलीव नहीं करेंगी, मैंने कल से इन सारी चीजों की तैयारी करी हुई है। मैंने पूरा एक दिन इनको दिया हुआ है टू मेक अप ऑल द सेटअप कि एंड मिनट पे मुझे आपका टाइम नहीं वेस्ट करना था। चले अब करते हैं बात, मैंने वैसे काट तो दी ये कॉल जो है। जी तो इसी तरीके से फिर हमने सुनो चंदा को जो है यही प्रैक्टिस हमारी इश्क जलेबी में भी हुई, यही प्रैक्टिस हमारी जो थी इसमें भी हुई, चुपके चुपके में भी हुई। हाँ तो वो इन्हीं चीजों को, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं ऐसा फैमिली ड्रामा लिखूं कि जिसमें हर एज ग्रुप का जो है वो एक कैरेक्टर हो और लोग उससे खुद को रिलेट कर सके। जी पर ये इस फर्स्ट सीजन के रोलर कोस्टर के बाद जब सेकंड सीजन स्टार्ट होता है शहाना का कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाता है। और वर्षी लाइक पहले से ही वो ऐसी थी कि ठीक है अभी इन दोनों ने समझ लिया है कि इनको साथ में ही रहना है तो अभी कोई मतलब नहीं है जिया को नापसंद ना करने का। She stands for her with her everything, and she also scolds her son. मतलब उन्हें भी डांटती है कि you cannot misbehave with Jia. तो ये बहुत ही एक interesting बात थी। और पूरे season में, पूरे second season में characters भी add होते गए, नए faces मतलब नए characters आते गए, और but साथ ही साथ ये भी एक चलता रहा। पर इन सब चीजों को आपने बहुत ही स्लो मतलब स्मूथ ह्यूमर के साथ बताया, कहीं पे भी कोई एक एपिसोड भी ऐसा नहीं है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये दो एपिसोड बहुत सीरियस हैं बाकी यहाँ तक बहुत फनी है। तो ये शहाना का ये जो आपने था इस सेकंड सीजन में, इसमें आप थोड़ा क्या मतलब दिखाना पर्पसली दिखाना चाह रही थी कि मदर और डॉटर इन लॉ का रिलेशन ऐसा भी होना चाहिए?
एक्चुअली मेरी जो अपनी मदर इन लॉ थी वो बहुत पॉजिटिव थी ना, बड़ी बहुत लविंग थी, बड़ी केयरिंग थी. तो मेरे जहन में ये आता था कि हमेशा जब हम मदर इन लॉ दिखाते हैं तो उसको नेगेटिव वे में ही क्यों दिखाते हैं हम, हमेशा एक इवल जो है वो ही क्यों खातून दिखाते हैं. एक हमने दिमाग के अंदर बिठा लिया है कि सास और जो बहू है उनका रिलेशनशिप हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव होता है. हाँ तो वो मदर इन लॉ जो है वो भी तो लविंग हो सकती है, वो भी तो. और मैं बताऊँ की शहाना हो या उस घर में कोई भी बंदा इतना नेगेटिव नहीं था. नेगेटिविटी मैंने कोशिश की है कि मैं ना दिखाऊं रिश्तों के दरमियान में और चीजों के दरमियान में. तो ये शहाना जो थी वो लविंग थी. जब उसको दरमियान में ये लगता है कि मेरे बेटे को बहुत ज्यादा किया जा रहा है, कि उसे शादी से इनकार किया जा रहा है, तो वो थोड़ा हर्ट होती है, फिर वो थोड़ा सा रिएक्ट करती है. तो वो हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं और उनको मार्जिन देना चाहिए लोगों को. हमारे अंदर अच्छाइयां भी होती हैं, हमारे अंदर बुराइयां भी होती हैं, लेकिन मैं शहाना के जरिए एक दुनिया की बेहतरीन सास दिखाना चाह रही थी. तो वो कोशिश की मैंने और वो अब आप लोगों के सामने, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, बहुत खूबसूरत है जी. आई थिंक शी इज द मोस्ट लव्ड सास अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मतलब कुछ ऐसे भी सीन्स हैं जहाँ पे वो अरसल को घर से भी निकाल देती है. तो मतलब ये एक बहुत ही स्टेप था कि जहाँ पे लगा कि नाउ शी इज रियली रियली स्टैंडिंग विद जिया. तो वो बहुत ही देखिए हम हर दफा जो है आपकी आपकी बहू या आपकी डॉटर इन लॉ होती है वो गलत नहीं होती जी, ठीक है. और मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जो है उन्होंने गलत चीजों पे अपने बेटे को डिफेंड नहीं किया. उनको लगा कि लड़कियों को कैरियर बनाना चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए स्टैंड लिया जिया के लिए जी. और जितनी वो उसको सपोर्ट कर सकती थी वो उन्होंने उनको सपोर्ट की और वो आप लोगों के सामने है. तो कैरेक्टर उनका इस तरह का था कि एक लविंग सी है मदर है जिनको ये लगता है, जो बिल्कुल भी नहीं, वो एक रवायती रोती धोती सास या रोती धोती बहू नहीं थी उस घर में. तो सुनो चंदा भी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं हम लोगों ने नई नई चीजों के, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि काफी कामयाब हुए हैं उसमें. तो अब नेक्स्ट भी हम थोड़ा इन चीजों को देखते हैं, माशाल्लाह क्या निखर के आए हैं सारे के सारे आपके एक्सपर्ट. वो तो ये है जी. तो ऐसे ही जैसे जैसे इसमें कैरेक्टर है डीजे का, वैसे चुपके चुपके में कैरेक्टर है मिर्ची का. बहुत ही दोनों एक यंग बच्चे हैं, लेकिन उनके डायलॉग्स और उनका ह्यूमर क्वर्की है सब कुछ बहुत ही ऐसा. तो आपने ये डिसाइड किया था कि इस बार लड़की का ऐसा कैरेक्टर लिखेंगे, मतलब मिर्ची कद्दू, एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है इस शो में सारे. वो इसलिए कि आपने देखा होगा कि जब सिबलिंग्स होते हैं घर में तो वो ऐसे ही एक दूसरे को कर रहे होते हैं ना, इरिटेट कर रहे होते हैं. हम बहन भाई जो भी होते हैं घर में ऐसे ही नामों के साथ पुकार रहे होते हैं. और दूसरा ये था कि मैं कोई वो कोई लड़का नहीं रखना चाह रही थी डीजे की तरह ना. फिर वो यूं लगता कि लोग उसको कंपेरिजन करते डीजे के साथ, या तो डीजे दोबारा से आ जाता फिर तो चलिए एक बात बनती थी, लेकिन उसको मैं दोबारा से भी नहीं हम लोग लाना चाह रहे थे. तो फिर ये सोच के हमने मिर्ची का कैरेक्टर रखा था कि एक बच्चे का होना चाहिए इसके अंदर के चुपके में. तो वो एक लड़की ही हो सकती है जो अपनी दादी के साथ इसकी बड़ी अटैचमेंट हो. आपने देखा होगा कि उसमें सुनो चंदा में डीजे की बड़ी बीजान के साथ बनती थी ना, वो जा जाके कुछ पैटर्न भी लगाता. इसी तरीके से मिर्ची जो है वो अपनी अपनी दादी के साथ बहुत अटैच थी. तो हमारे यहाँ अभी भी जो मुझे लगता है कि जो हमारा एक ईस्टर्न कल्चर है उसके अंदर जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर्स होती हैं, उनके साथ हमारा ऐसा ही रिलेशन होता है. तो वो हर घर में बुजुर्ग तो है ना, हम लोग अपने माँ बाप से डांट खाने के बाद उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं के पास डांट देता है तो दूसरा प्यार. तो इसी तरीके का मैंने वो बीजान का और उधर जो है उनकी तरफ बेबे जो थी उनका कैरेक्टर रखा था. तो वहां भी चुपके चुपके में भी इख्तलाफात बड़ों के दरमियान में थे. बच्चों का इस तरह का नहीं था, वो बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करते थे दूसरे के साथ. तो ये थोड़ा पॉजिटिव मैंने दिखाने की कोशिश की है दोनों ड्रामास के जरिए जो है अपने दोनों सीरियल्स. एक फैमिली ड्रामा जो है मुझे सबने खुद जो है बेसिकली साजिशें और इस टाइप की चीजें जो वो अच्छी नहीं लगती, नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती. तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई दिखाऊं, कोई पॉजिटिव दिखाऊं, रिश्तों से प्यार करना लोग सीखें, ऐसी चीजें दिखाऊं.
जी, और वैसे भी चुपके चुपके में जितने भी, जैसे कि आपने कहा कि फैमिली एक दूसरे से, मतलब बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। ये एक एपिसोड में है जब उन दोनों की, मीनू और फाजी की शादी कैंसिल हो जाती है, तो वो साथ में ही आकर कहते हैं कि यहाँ पे बड़ों ने भी अपने इख्तलाफात भुला दिए हैं। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही स्मूथली जाता है, जहाँ पे ह्यूमर भी है, कोई ऐसा नहीं है मतलब फाइट को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, इट्स वेरी गोइंग स्मूथली। और दूसरी बात ये कि उसमें आपने जो दिखाया है कि कोई भी मैसेज है, तो उस मैसेज में कोई पर्टिकुलर सीन सीरियस नहीं है, वो भी ह्यूमर के साथ चले ही जा रहे हैं, तो एक सही बात है। वेवलेंथ जैसा लगता देखिए, है। और हम इस, सीरियस जो चीजें होती हैं उनको हम लाइट मूड में भी तो एड्रेस कर सकते हैं ना। हाँ जरूरी थोड़ा है कि हर चीज को बड़ा खौफनाक बना के पेश किया जाए, रोना धोना जी डाला जाए, जी और हम उनको लाइट वे में भी तो बात कर सकते हैं ना। हाँ तो बस ये जो ड्रामास थे, इनके जरिए यही मैंने कोशिश की है कि चीजों को थोड़ा लाइट करके दिखाऊं, ताकि हाँ लोग जो हैं डरे नहीं, लड़कियां जो हैं उनको ससुराल जो है वो ऐसा ना लगे कि कहीं खुदा ना जी खास्ता में कोई जेल में भेज रहे हैं, या वहां पे कोई जी जल्लाद किस्म की कोई सास होगी। हाँ तो हमें जरूरत है हमारे स्क्रीन को इस तरह की चीजों की, ऐसी पॉजिटिविटी की, जी कि जी ऐसे आने चाहिए, फैमिली ड्रामास बनने हाँ चाहिए। हाँ और हैविंग सेड दैट, ये जैसे गुल आपा का कैरेक्टर है, तो शी इज वेरी मच ऑफ द इंचार्ज ऑफ द हाउस। वहां पे एक फर्स्ट एपिसोड में तो मुझे ये लग रहा था कि अच्छा वो मिस्कीन भाई घर के नौकर है, बट दैट कैरेक्टर इज शोन विथ सो मच ऑफ डिग्निटी। मतलब घर जमाई को यूजुअली इस नजर से या इस इज्जत से नहीं देखा जाता, आपने उसको पूरा बहुत ही खूबसूरत शक्ल के साथ पेश किया है कि वो उनसे फाजी से कह रहे हैं आप जाइए मैं संभाल लूंगा, तो वो सारी देखिए, चीजें हैं बहुत प्यारी हैं। आप उस घर दामाद, हाँ घर दामाद के बारे में थोड़ा सा बताइए। हमारे यहाँ अमूमन जो घर दामाद का जो कैरेक्टर है वो उसको नेगेटिव वे में ही पोर्ट्रेट करते हैं, टीवी के ऊपर दिखाया जी जाए या हमारी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखा जाए तो ऐसे ही दिखाया जा रहा होता है। लेकिन मस्कीन का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि वो दिल का अच्छा था इंसान, लेकिन थोड़ा सा हड हराम था, जिसको हम कहते हैं ना, काम करने पे राजी नहीं होता जी था। जी उस वजह से वो अपने ससुराल में रह रहा था, उसको उसके घर वालों ने भी इसी वजह से निकाला हुआ था कि वो कोई काम काज नहीं कर रहा था। तो वो फिर जी यहाँ पे अपनी मिसेस को लेके आ जाता है इन लॉज के साथ, वहां पे भी उसको प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो करवाया जाता है, लेकिन वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है उन चीजों नहीं में, है। उसको ज्यादा हाँ मजा आता है घर की खवातीन के साथ रहने में या उनके खवातीन के साथ साथ रहने में हाँ वो कर टाइम स्पेंड करने में। लेकिन फिर एंड में इसको रियलाइज हो जाता है कि ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ तो मैं ये वो गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं हाँ करना चाहिए, तो मैं वापस अपने घर में जाना चाहिए, मुझे जाके वहां पे दोबारा से अपना बिजनेस जो है उसको दिखना चाहिए। तो एक ग्रेजुअली इसको मैंने दिखाया है, चेंज होता हुआ किया है। हाँ बट वही वही कैरेक्टर जब आता है घर दामाद का इस जलेबी में, तो नूर साहब ने तो मतलब कमाल ही कर दिया है। एक तो आपने जो लाइंस लिखे हैं, बिकॉज ये दोनों ही घर दामाद के कैरेक्टर है, वी कैन कनेक्ट वन फ्रॉम द जंप टू द अदर, कि ये उनके जो डायलॉग्स हैं इतने फनी हैं, और क्या वो एकदम ब्लिंक ऑफ एन आई वो तीन चार लाइंस इतनी अच्छी बोल जाते हैं कि आप इधर उधर देखने का आपके पास वक्त ही नहीं होता। मतलब वो 40 मिनट्स का एपिसोड हो या 50 30 हो, बट यू आर सो मच कनेक्टेड विद हिम। तो क्या आपने ये कैरेक्टर जब लिखा था तो आप क्लियर थे कि नूर साहब को ही उसे प्ले करना चाहिए? देखिए, मैंने जो इश्क जलेबी स्टार्ट किया था, तो जब ये नूर साहब वाला जो कैरेक्टर था, क्या नाम था उनका, आशिक हुसैन, आशिक तो हुसैन आशिक हुसैन को जब मैं बना रही थी, कैरेक्टर स्केच उसका बना रही थी, तो वो पहले दिन से, पहली लाइन से ही मेरे दिमाग में थे नूर साहब। ओके तो जब उनकी पर्सनैलिटी दिमाग के अंदर आ गई थी, तो उसके बाद मुझे उसको लिखते हुए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और जी पता है, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं, जैसे नूर साहब हैं या इस्सा गजल हैं या नादिया अफगन हैं, उनकी पर्सनैलिटी को जेन में रख के जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, तो आपसे, आपके कलम से खुद ब खुद जुमला निकलता है। हाँ आपको उन्हीं की जगह पे अगर आपको कह दिया जाए कि ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इसमें, हम उसकी जगह पे ये फलां फलां जो है वो करेगा, तो मेरे साथ इस तरह से भी हो चुका है कि कुछ कैरेक्टर्स इस तरह के थे तो जो मैंने किसी और का सोच के लिखे, जब कास्टिंग में थोड़े प्रॉब्लम्स हुए
वो लोग चेंज कर दिए गए, तो उसके बाद मुझे जुमला ही नहीं आ रहा था अगले बंदे को सोच के। तो ये वो होता है, ये आप ये बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि डिपेंड करता है कि कौन बंदा इस कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। तो नूर साहब जो थे ये पहले दिन से मेरे दिमाग में थे। इरशा गजल का भी मैं बहुत क्लियर थी, लेकिन इरशा गजल के बारे में थोड़ा सा डाउट था कि उनकी डेट्स नहीं मिल रही थी सज्जू के कैरेक्टर के लिए, लेकिन मैं उस उनकी जगह पे दो तीन लोगों का उन्होंने मुझे ऑप्शंस बताए। कुछ डायरेक्टर साहब भी जो थे वो भी विलिंग नहीं थे कि इरशा के अलावा कोई और को करे, तो जब मैं किसी और को सोच के लिखती थी तो सज्जू का कैरेक्टर ही दब जाता था। हाँ उसमें मजा ही नहीं आता था मुझे। जब मैं इरशा को सोचती थी तो जुमला एकदम से खुद ब खुद आता था मेरे दिमाग के अंदर। तो आशिक हुसैन को थोड़ा सा मैंने दानिश्ता, क्योंकि मैं चुपके चुपके एक साल पहले ड्रामा लिख चुकी थी और इश्क जलेबी मैंने एक साल बाद में लिखा है, तो मेरी ये भी कोशिश थी कि एक एफर्ट थी कि ये मस्कीन जैसा कैरेक्टर ना हो। तो फिर मैंने दिखाया कि आशिक हुसैन एक ऐसा दामाद है जिसने अपने फादर इन लॉ की वजह से अपना घर जो है वो छोड़ दिया, वो उनकी लुक आफ्टर करने के लिए उनके घर में आ गया, उसने उनको सारा बिजनेस संभाला हुआ है, वो मेहनती है, वो चीजों को अच्छे तरीके से कैरी करना जानता है। तो वो एक ऑपोजिट एक ऐसा दामाद था जो कि जिसके ऊपर पूरा घर जो है वो चल रहा है। इवन देन के जब बाहर से उसके दोनों साले आते हैं, एक कैनेडा से और एक अमेरिका से, तो उनको वो भी इस चीज को रियलाइज करते हैं कि आशिक हुसैन जो है वो इस घर का एक ऐसा बंदा है क्योंकि बाऊजी को चला सकता है, बाऊजी ही उसकी बात मानते हैं, सारा बिजनेस उनके हाथों में है, उनके और उनके बेटे के हाथ में है। तो ये एक दानिश्ता एफर्ट थी मेरी जो नूर साहब का कैरेक्टर था। बाकी उनके जुमले लिखते हुए मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई, ना जब भी सीन में लिखती थी सज्जो का और आशिक हुसैन का, तो खुद ब खुद ह्यूमर जो है वो निकलता था कि वो जब उनको जिम में रख के सोचती थी ना कि ये सिचुएशन है तो वो क्या कैसा रिएक्ट करेंगे, तो बड़ा मजा आता था उनको सोच के लिखने का। बट उन्होंने ऑफ कोर्स जस्टिस किया है, क्योंकि उनके सीन्स में आप मतलब बहुत आपको मजा आने लगता है। और उसी शो में कवि साहब के भी जो पंजाबी डायलॉग्स हैं, मुझे वो सुनने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि पंजाबी मैं थोड़ा कम सुनती हूँ, पर मुझे वो लैंग्वेज अच्छी लगती है, और वो भी बहुत फ्लॉलेस थे इस चीज में। तो ये एक एक जो है वो थोड़ी अलग भाषा बोले, लेकिन बाऊजी जो है वो थोड़ा पंजाबी में ही बात करते हैं, तो ये उनका मतलब ये उनका टच ये एक्चुअली नहीं, ये एक्चुअली था एक पंजाबी फैमिली थी जो पंजाबी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती थी, उनके दोनों बहुएं उनके दोनों बेटे, आपने देखा होगा कि उनका जो एक्सेंट है वो पंजाबी एक्सेंट है। हाँ। वो जब उर्दू भी बोल रहे होते हैं तो उसमें से साफ झलक रहा होता है, तो उसकी पीछे मैं कह सकती हूँ कि इसको लिखने वाली जो राइटर थी वो भी पंजाबी थी, जिसको डायरेक्ट करने वाला डायरेक्टर था वजाहत हुसैन वो भी लाहौर से ताल्लुक है उनका, वो भी खुद भी पंजाबी है, और कुछ उनका भी आउटपुट बहुत ज्यादा था, उन्होंने हर एक कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत की है, चाहे वो बाऊजी हो, चाहे वो नूर साहब हो, चाहे वो बहाज हो, हर एक के गेटअप के बारे में, हर एक के एक्सेंट के बारे में, तो वो बहुत डीपली चीजों के अंदर जाते हैं। तो मेरी ये गुड लक है कि मुझे इश्क जलेबी में वजाहत हुसैन जैसा मेहनती डायरेक्टर मिल गया, चुपके चुपके में मुझे दानिश नवाज जो कि खुद भी माशाल्लाह एक बड़े बड़े अच्छे राइटर भी हैं, अच्छे एक्टर भी हैं। इसी तरीके से सुनो चंदा में मुझे एहसन तालिश साहब मिल गए थे, हालांकि मैं आपको बताऊं कि दानिश नवाज जो जिन्होंने चुपके चुपके किया है उनका पंजाबी का कोई इतना वो नहीं था, पीछे बैकग्राउंड नहीं था, और लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से किया कि कहीं पे एहसास नहीं होने दिया कि वो इस लैंग्वेज के साथ जो है वो ज्यादा उनका जो है वो कनेक्ट नहीं करते। हाँ, फैमिलियर नहीं है, तो वो बाज औकात कुछ जुमले होते थे जो कि मुहावरे होते थे जो उनको समझ नहीं आ रहे होते थे, तो वो मुझे वॉइस नोट कर भेजते थे कि इसका क्या मतलब है, ताकि फील वैसी है स्क्रीन के ऊपर। तो एहसन भाई तो खैर खुद ही पंजाब से उनका ताल्लुक था, सुनो चंदा में उनको खैर ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, कोई बहुत कुछ हो के जाके जहाँ जो कि नादिया भी पंजाब से ताल्लुक रखती है लाहौर से है, तो इसलिए उन चीजों में नहीं फंसी। वजाहत तो खैर थे ही लाहौरी, और तो मुझे मजा आता है पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब की जो चीजें हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ह्यूमर जो है वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसमें पंजाब में बड़ा मजे का निकलता है। हाँ, कुछ वो आपकी अपनी जब एक मदर टंग होती है तो आप उसे ज्यादा फेमिलियर होते हैं, आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जान रहे होते हैं, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से लिख रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे ये जो है अपनी इस चीज को लेके साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा मजा आता है लिखने में, और दिखने वालों को भी वाले भी इसको एंजॉय कर रहे होते हैं।
तो आप जब ये स्क्रिप्ट हैंडओवर करती हैं डायरेक्टर को, तो क्या आप उनको ब्रीफ करती हैं कि इस कैरेक्टर में ये कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, या यू गिव देम मतलब स्पेस की इसको आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो? देखिए, जो एक राइटर का काम होता है ना, वो तो आप करके दे देते हैं, लेकिन जी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें जो होती हैं, जो स्क्रीन के लिहाज से एक डायरेक्टर अच्छे तरीके से समझ सकता है, वो राइटर नहीं समझ सकता। ओके बाज़ औकात कुछ ऐसे हाँ सीन्स होते हैं जो हम लिख देते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किए जा सकते। जैसे एक सीन था इश्क जलेबी में, बेला जो है वो हाँ पार्लर जाती है और वहां से मेहंदी लगा के निकल के आती है वापस ना, वो जी चेंज कर दिया था, वो बाद में उन्होंने उसको फेशियल करवा के वो निकलती है, तो वो दिखाया, हाँ तो वो पूरे डायरेक्टर ने बताया कि देखिए भाई, अगर अभी हमने इनको मेहंदी लगवा दी तो हम आगे कैरी नहीं कर सकेंगे ना, हाँ क्योंकि शूट ऐसे नहीं होता कि आप एपिसोड वाइज उसको लेके चलते हैं, वो तो डेट्स के हिसाब से कभी आगे से शूट हो रहा है, कभी पीछे से शूट हो रहा है, तो फिर जी मेहंदी वाला हमने चेंज किया। कुछ चीजें ऑन द स्पॉट जो होती हैं वो एक्ट्रेस जो है वो खुद से भी ऐड कर लेते हैं कुछ, लेकिन डायरेक्टर्स की से परमिशन के बाद। तो ये जी लोग करते हैं, बीच में छोटे छोटे चुटकुले करते हैं। मैं कभी इतनी ज्यादा रिजिड नहीं होती अपने स्क्रिप्ट के बारे में, जो भी कर रहा होता है उसकी बिक्री के लिए कर रहा होता है ना, तो जी किया वजाहत ने भी काफी चीजें ऐड की हैं, इसी तरीके से दानिश ने भी की है, लेकिन बता दिया था उन लोगों ने कि हमने ये चीजें ऐड कर रहे हैं उसमें। जी पर एक जब आपने एक बहुत सारे मतलब तीनों फैमिलीज हैं, तीनों ही फैमिलीज बड़ी हैं, और वो जब तीनों फैमिली एक फ्रेम में होती है तो उस फ्रेम में हर एक के पास कुछ ना कुछ कहने को है। मतलब वो ऑफकोर्स फ्लो में ही जा रहा है बिकॉज एक फैमिली बात कर रही है, तो ऐसा नहीं होगा सही कि है, वो लोग बैठे हैं और बाकी सब बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट है कि बहुत मजा आता है, क्योंकि जिस जैसे इश्क जलेबी में एक लिविंग रूम के सीन में वो उनकी अपनी भाभी के साथ जो बातें हो रही होती है नूर साहब की, तो वो इतनी फ्लॉलेस जा रही होती है और सबके एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स भी होते हैं। तो वो आप जब लिखती हैं तो आपके पास ये होता है कि इसको एक्सप्रेशंस ही देने हैं, या वो फाइव देखिए, जब फूलवे हम का किसी सीन कैसे सीन लिखती में, हैं? जब हम किसी सीन में सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा करते हैं, तो डेफिनेटली उनका कोई ना कोई काम तो होगा। जी देखिए, जब स्केड्यूल बनता है शूट का, तो उसमें जो एक्टर्स के कंबाइंड सीन होते हैं, तो अगर एक बंदा सिर्फ खड़ा है, वो ना एक्सप्रेशंस दे रहा है ना वो उस कन्वर्सेशन का जो है वो पार्ट बन रहा है, तो उसका फिर क्या फायदा ना वहां पे खड़े होने का। तो जी इसलिए हम लोग जब कोई भी सीन बनाते हैं, तो उसमें कोशिश ये होती है कि जितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं, तो वो कोई ना कोई डायलॉग तो एक आध तो लाजमी हो उनका, अगर एक आध जी नहीं है तो फिर उनका एक पावरफुल किस्म का एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो जी वो कॉमेडी में तो आपको पता है कि एक्सप्रेशन जो होते हैं बड़े काउंट होते हैं, हाँ तो इस लिहाज से जो है ये एक दानिश्ता हमारी एफर्ट होती है जो हम करते हैं सीन्स के अंदर, कि किसी को जी ये ना लगे कि मुझे खामखा से यहाँ पे इन्होंने ला के खड़ा कर दिया है, मेरी कोई जी जरूरत नहीं थी सीन में। कोई हाँ ऐसा कैरेक्टर जो कि जिसके बगैर सीन हो सकता है, तो वो फिर हम लोग उसमें नहीं डालते। जी और आपने जो जब ये आपने कहा कि आप हम इसे कैरेक्टर का स्केच रेडी करते हैं, तो मीनू के कैरेक्टर में आपने ये ड्रेसिंग और ये जो हेड पिन है या जो उसका लुक है या कैरेक्टर की फिजिक या पर्सनालिटी कैसी होगी, अदर देन मतलब वो पढ़ना नहीं चाहती है और उसका ये जो एक मेन है कि तू तो बड़ी कूल है लेकिन दुनिया बड़ी फजूल है, तो ये इस लाइन के साथ आप कैरेक्टर की पर्सनालिटी मतलब कैसे डिजाइन खुद कर लेते हैं? देखिए, जैसे मीनू का कैरेक्टर था कि एक ऐसी लड़की है जो कि पढ़ना नहीं चाहती, उसको बाकी दुनिया जहान की हर चीज में इंटरेस्ट है। तो जी एक खुद भी, चूंकि मैं लेक्चरर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि इस टाइप, इस एज ग्रुप की लड़कियां किस तरह का वो रिएक्ट कर रही होती है ना चीजों के ऊपर। तो मीनू एक लड़की है जो कि यूनिवर्सिटी में जाती है, उसने अभी बीएस के उसका फर्स्ट सेमेस्टर है, स्टार्ट जी किया है, उसकी ड्रेसिंग जो है यूनिवर्सिटी गर्ल्स की तरह होनी चाहिए। ये हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन हाउस का जो कि वार्डरोब देखता है, तो वो उसके जी अकॉर्डिंगली डिस्कशंस पहले हो जाती हैं हमारी कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो किस तरह के कपड़े जो है वो कैरी करेगा। लेकिन जो मीनो का कैरेक्टर था, उसमें आयजा का की अपनी बड़ी एफर्ट थी। ओके आयजा ने
सोचा कि अगर मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी तो मुझे किस तरह का दिखाई देना चाहिए, तो उसने फिर ये जो पिन्ने शिन्ने लगानी है तो ये इन्होंने खुद से वो उसके अंदर ऐड की थी, और अपने जो ड्रेसिंग उनके कुर्ते नजर आ रहे हैं आपको, हाँ. वो भी वो खुद जाके उन्होंने लेके आई है अपनी सारी वार्डरोब जो थी, तो वो दानिश्ता उन्होंने जो है उस हर चीज में उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है. आयशा जो है बड़े बड़ी डिवोशन के साथ काम करती हैं, वो चीजों में घुस जाती हैं, अपने कैरेक्टर्स में घुस जाती हैं. तो वो फिर जैसे वो उन्होंने बताया कि मैंने एक उनका लिखा था कमीनू, तू लड़की बड़ी कूल है पर दुनिया बड़ी फजूल है, तो वो कह रही थी मुझे मजा नहीं आ रहा था उस जुमले को बोलते हुए, फिर उन्होंने बालों को झटका देती है तो फिर हाँ. बोलती है कि मीनू तो लड़की बड़ी कूल है दुनिया बड़ी फजूल है, फिर उन्होंने कैरी किया, फिर डायरेक्टर ने उनको बताया कि नहीं आप इसको कैरी करें तो ये अच्छा जा रहा है. जी तो कुछ टैगलाइंस होती हैं जो मैं लिखती हूँ कि लाजमी हो हाँ. ताकि जो कैरेक्टर सामने स्क्रीन पे आए तो वो देखने वाले जो है उसको रिलेट, सॉरी वो उनको पता चल जाए कि अब ये कुछ ना कुछ इस तरह का ही बोलेगा. जैसे हम एक दादी थी वो कहती है कि जो है मैं कुछ ही वन दे मुझे जीने हाँ दो ना, वो जो बड़ी बड़ी हाँ वाले बड़ी सॉरी दादी छोटी थी. दादी, हाँ तो वो जो छोटी दूसरे वाली नहीं वो छोटी थी, वो हाँ छोटी छोटी दादी दादी ना, थी, छोटी दादी थी. हाँ जो बड़ी वाली दादी थी उनका वो था कि नीवे नीवे होकर निकल जाओ ना, तो हाँ वो था. फिर इसी तरीके से जो कद्दू है जो वलीद है वो कहता है सुथरी हुई तुम्हारे साथ ना, हाँ इसी तरीके से मीनू का मैंने रखा था. फिर मिर्ची का भी एक रखा था लेकिन मिर्ची का वो ज्यादा कैरी नहीं हो सका, वो मिर्ची का था क्या था, अंटा गफील हो जाए, चलें बाजी अंटा गफील हो जाए, कुछ इस टाइप का कोई जुमला था. तो बाज औकात ये हम लिख देते हैं और फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको साथ साथ कैरी करते जाते हैं, जी जब हम जी राइटर्स कई दफा लिखना भूल जाते हैं तो वो खुद उसके अंदर ऐड कर लेता है. ओके लेकिन होता है हमारा कि हम लोग कुछ ना कुछ किसी ना किसी का एक दिखाएं जिससे उसकी एक इंडिविजुअल लुक जो है वो नजर आए स्क्रीन के हाँ ऊपर, तो उधर जी थोड़ा डिफरेंट नजर आए ना कैरेक्टर जो है. हाँ तो जैसे वो उनका था गुलापा का था कि गुल की गुल की नाक के नीचे किसने गुल खिला दिया, या जी गुल जो है मिंटो आपा उसको कहते हैं कि वो 1 मिनट बड़ी है उससे, तो इस हाँ तरह की चीजें दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफरेंट करने के लिए वो हम लोग फिर डालते हैं राइट. और ये जो छोटी दादी है उनकी जो लाइंस होती हैं एक इतना धीरे से और इतना फास्ट बोल जाती हैं कि एक बार से, क्योंकि वो थोड़ा पंजाबी में भी शायद बोलती हैं, तो उनको उनको हाँ देख मतलब गुलापा की और उनकी कॉन्वर्जेशन भी आप मिस नहीं कर सकते. वो भी एक अपने आप में यूनिक कॉन्वर्जेशन है. और उनके जी जो बिल्कुल कुछ ऐसा है ऐसे कि अब तुम्हारे दादा के लिए मैं थाईलैंड होकर घूम के आऊंगी, इट वॉज लाइक मतलब आप हंस हंस के पागल हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी लाइन में आपने इतना सारा लाफ्टर डाल दिया है. तो ये जब छोटी दादी की कास्टिंग थी, वो भी आपके मतलब स्केचेस में पहले से थी कि आपके जहन में थी? एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि कोई ऐसी खातून हो जो कि सराइकी स्पीकिंग हो ना, कोई सराइकी हमें एक्सेंट चाहिए था, और उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पंजाबी जो है फैमिली पंजाबी जो बैकग्राउंड है उससे तो हमें बहुत सारे लोग मिल रहे थे लेकिन सराइकी के लिए हमें थोड़ा मुश्किल हो रहा था. तो फिर किसी ने उसमें देख का बताया क्योंकि ये दुबई में होती हैं और काफी अर्से से अपना खाला काम भी कुछ ज्यादा वो नहीं कर रही थी, लेकिन जब उनसे डिस्कस किया गया तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया, उसके बाद वो पाकिस्तान आई और उन्होंने इसको इतना प्यारे अंदाज से किया और खुद उसके अंदर कुछ चीजें जो है उन्होंने ऐड की, वो जिस तरह से स्टाइल जी बना के कहती हैं हम तो जुमला लिख देते हैं ना, जुमले के अंदर जान किसने डालनी है वो हाँ एक्टर खुद डालता है, वो एक्टर डायरेक्टर डालता उसको है. बताता है कि आपने इस तरह से कर रहे हैं. तो ज्यादा एफर्ट जो थी मुझे लगता है कि पीछे उनकी थी दानिश की थी, दानिश हर कैरेक्टर के पीछे मुझे नजर आ रहे थे हाँ कि उन्होंने चीजों को समझ लिया कि कौन सा कैरेक्टर है उसको किस तरीके से मुझे स्क्रीन पे दिखाना है. जी. तो ये जो सारे कैरेक्टर्स थे, पर इश्क जलेबी एक ऐसा शो लगा मुझे पर्सनली कि जहां पे एक फादर अपने फैमिली के लिए बहुत ही फील करते हैं कि वो मेरे साथ आकर रहे हैं, और उनकी बेटी कहती है कि नहीं, बाबूजी ने हमेशा बेटों को ही प्रायोरिटी दी है और बेटी को नहीं वो किया था, लेकिन उन्हीं के बेटे उनको छोड़ के गए. तो ये जो एक बहुत ही एक जो दिल में, वो पूरी शो में हम देखते हैं कि वो इसको फील कर रहे होते कि अच्छा हुआ कोविड आ गया, इसी बहाने ये दो ये लोग इतने दिन मेरे साथ रहेंगे. तो ये इतनी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को आपने बहुत ही स्मूथ वेव में पूरे एक हंसी मजाक के साथ दिखा दिया. क्योंकि बाकी हम जैसे
अगर इसी चीज को अगर मैं बागवान से रिलेट करूं लिटिल बिट, तो वो एक बहुत ही सागा सी फिल्म लगती है, और यहाँ पे ह्यूमर के साथ आप उसको फील भी कर रहे हैं, क्योंकि बाऊजी ये सारी बातें सिर्फ अपने रूम में कर रहे हैं। तो ये जब आप लिखते हैं इन इन सब को, तो हर शो के साथ आप ये डिसाइड करते हैं कि इस शो में इस बार मैं कैरेक्टर्स में ये मैसेज डालना चाहती हूँ। देखिए, जो इश्क जलेबी है, मैं उसके बाद बारे में क्लियर बता दूं कि जब वो मैं उसको लिखना चाह रही थी तो वो मेरे पर एक कर्ज था मेरे फादर इन लॉ का। मेरे फादर इन लॉ जो थे उनके माशाल्लाह 5 बेटे थे, सबकी पोस्टिंग्स जो थी वो डिफरेंट इलाकों में थी, तो बड़ा एक्साइटेड होते थे जब हम लोग सारे ईद पे इकट्ठे होते थे। तो उनकी बातें, उनकी चीजें जो है वो इवेंट्स ढूंढते थे कि ये लोग कब इकट्ठे होंगे, कब इस तरह से सारा जो है एक घर में, हमारा जो एक घर था अभी भी है जहाँ पे हम लोग सारे ईद पे इकट्ठे होते हैं। तो वो जो मेरे अब्बा जी की एक थी ना, फीलिंग्स थी, जो उनके इमोशंस थे, वो सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाली थी। और मैंने सोचती थी कि मैं कोई ऐसी स्टोरी लिखूंगी कि जिसमें मैं बताऊंगी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों के पैसे की जरूरत नहीं होती, उनको बच्चों की मोहब्बत की जरूरत होती है, उनको बच्चों की अटेंशन की जरूरत होती है। तो ये एक मैसेज था जो मैं स्ट्रॉन्गली देना चाह रही थी। तो ये सारी जो मेरी स्टोरी थी वो इसी पे बेस कर रही थी। तो इस एक चीज को लेके मैं चली थी। फिर सारी कहानी जो है वो बनाई गई कि एक बेटा उनका इंग्लैंड, सॉरी कनाडा में होगा, एक अमेरिका में होगा। और एक थोड़ा सा मैं ये भी दिखाना चाह रही थी कि हमेशा बेटे जो होते हैं ना वो पेरेंट्स का साथ नहीं देते, बाद बेटियां भी उतना ही उनका कर रही होती, उससे बढ़ के कर रही होती है। तो उनको अपने बेटों से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो उनका मेरे दोनों बाजू है, और जब वो पैदा हुए तो उन्होंने बड़े मोतीचूर के लड्डू बांटे और सारा कुछ किया, तो वो हर्ट हुए, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई जब उनका एक बेटा चला गया छोड़ के, फिर दूसरा बेटा चला गया। तो वो अपनी बेटियों से इतना ज्यादा उनकी अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ये मैंने गलत किया था, मुझे मेरी बेटी ने एंड में आके उनको संभाला, और उसके बाद जब उनके बेटे भी वापिस आते हैं। तो ये एक मैसेज था जो मैं इश्क जलेबी के जरिए देना चाह रही थी, एक ये वाला। और दूसरा मैं ये बताना चाह रही थी कि हमें अपनी जो हमारी बैक होती है, जो हमारी शिनाख्त होती है, हमें उससे नहीं भागना चाहिए। जी, अब उन लोगों को हलवाई के बेटे होने पे बड़ी एम्बैरेसमेंट होती थी ना, उनके दोनों बेटों को शर्म आती थी, लेकिन जब वो वापिस आए तो जो एक नई जनरेशन थी उन्होंने अपने नए स्टाइल से उसको कैरी किया हुआ था, सॉरी बेला और बासिम ने। हाँ, तो फिर आके बड़ा हैरान होते हैं, हालांकि वो इन चीजों को ये लोग भी कैरी कर सकते थे, ये लोग भी इस तरीके से बिजनेस को रन कर सकते थे। जी, तो उसके बाद जब वो आते हैं वहां पे, फिर उनके बच्चे जो हैं थोड़ा उनके साथ वो करते हैं, तो उसके बाद उनको रियलाइज हो जाता है कि हम लोगों ने अपने बाप के साथ गलत किया था, गलत किया। और हाँ, और मैं बताऊं कि लॉकडाउन में बहुत सारे पेरेंट्स खुश हुए हैं जिनके बच्चे आए घरों में और उन्होंने अपने पेरेंट्स को टाइम दिया। देखिए, हम लोग तो सारे भाग दौड़ में बिजी थे, को किसी को टाइम नहीं दे पा रहे थे, अपने आप को नहीं हम टाइम दे पा रहे थे। लॉकडाउन ने हमें एक दफा से फिर इकट्ठा कर दिया। तो जहाँ पे लॉकडाउन और कोरोना की नेगेटिव चीजें थी, वहां उसके कुछ पॉजिटिव भी थे। तो मैं कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें उसकी दिखाना चाह रही थी। तो वो एक कॉन्शियसली हमने ये इसको किया था, और कुछ डिमांड भी थी प्रोडक्शन हाउस की तरफ से, 7 स्क्वायर प्रोडक्शन का ड्रामा था, कि उन लोगों ने कहा कि कुछ कोरोना के ऊपर हमें काम करना चाहिए, तो तब हमने ये सीरियल जो है वो साइन किया था। पर ये बहुत ही रिलेटेबल था, बहुत ही आज का था, और उसी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन हंसते हंसते दिखा देना, ये बहुत बड़ी बात है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एग्जीक्यूटिंग इट सो वेल। मतलब आपने पेपर में ही, मतलब लाइंस के साथ और डायलॉग्स के साथ, कैरेक्टर्स के साथ, हर एक कैरेक्टर इतना जस्टिफाइड लगता है कि उसे कहीं पे भी, किसी एक्टर को भी ये नहीं फील होता कि आई वॉज अंडर यूटिलाइज। बिल्कुल, देखिए, आप कैरेक्टर्स अगर किसी स्टोरी में किसी कैरेक्टर के ना होने से स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरा ख्याल है कि ये ज्यादती है। फिर आपको उसको इतना ही नहीं चाहिए। तो जब भी हम दूसरा, हमारे यहाँ थोड़े से प्रोडक्शन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि कम से कम कैरेक्टर्स रखें। और आपको बताऊं कि जब ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं तो राइटिंग बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। आपने जस्टिस करना होता है हर एक कैरेक्टर के साथ, ताकि किसी को कल को ये ना हो कि मुझे क्यों इन लोगों ने, मेरे बगैर भी तो काम चल सकता था। हाँ, तो मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, इसी वजह से साल में मैं एक या दो सीरियल ही कर पाती हूँ, क्योंकि पूरा मेरा टाइम उसी में लग जाता है। एक एक सीरियल को
महीने लग जाते हैं उसकी स्क्रिप्टिंग करने में, जी, तो हर कैरेक्टर के ऊपर काम करती हूँ, तो ये थोड़ा फिर मुश्किल है। तो लेकिन ये शुक्र है कि उसके बाद उसका अच्छा एक मुझे मिल जाता है, आउटपुट मिलता है, और वो सारी थकन, सारी जो एप्रिसिएशन होती है उससे अप्रिसिएशन काफी, हाँ जी, आपको जो है सब कुछ वो जो होता है जो अपने पीछे पीछे 6 महीने की जो थकन होती है ना वो खत्म हो जाती है आपकी। जी। तो ये तीनों ही शो के डायरेक्टर्स डिफरेंट हैं। एक इश जलेबी जो है वो जियो पर आया है और बाकी दोनों शोज जो हैं वो हम टीवी पे आए हैं। तो इन जब आप प्रोडक्शन हाउस चेंज हो जाता है और डायरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, तो क्या आपको ऐसा होता है कि इनके इनके थोड़े रिक्वायरमेंट्स अलग हैं और आपको जो राइटिंग लिखना है उसमें आपको उनके हिसाब से अकोमोडेट करना होता है, या आप फ्लॉलेसली जो भी चाहे आप लिख सकते हैं? देखिए जो मेरा स्टाइल है वो तो हर जगह पे एक जैसा ही रहेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग में जो एक राइटर होता है वो आपको हर जगह पे ही, चाहे आप 10 डायरेक्टर चेंज कर लें, आप राइटर का स्टाइल चेंज नहीं कर सकते। जी लेकिन डायरेक्टर चेंज करने से ये हो जाता है कि फ्लेवर्स डिफरेंट हो जाते हैं ना आपके ड्रामे के। जैसे इश्क जलेबी और चुपके चुपके जब दोनों ऑन एयर होने वाले थे तो मैं बहुत टेंशन में थी कि कहीं ऐसा ना लगे कि सेम टू सेम लुक उनकी फील आ रही हो। हाँ लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोनों एक बिल्कुल स्टोरीज डिफरेंट थी, फिर दोनों का जो डायरेक्टर्स थे उनका ट्रीटमेंट करना जो था वो थोड़ा डिफरेंट था, जो वजाहत है और बासिम का जो रोमांस था वो बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने इतने छोटे छोटे सीन्स जो थे उनको हाँ इतना प्यारे अंदाज से डायरेक्ट किया हुआ था। इसी जी तरीके से दानिश थे तो उन्होंने कॉमेडी की जो लाइंस थी उसको बड़ा अच्छा तरीके से कैरी किया था, जी और जिससे बड़ा लाफ्टर आता था जो सीन्स। हाँ एक डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा एरिया जो है वो अपना कौन से एरिया को ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। तो जी मेरी जी ये बड़ी गुड लक है कि मुझे हमेशा अच्छे डायरेक्टर्स जो है जी अच्छा है, और अच्छा स्क्रिप्ट जो है विदाउट अच्छे एक अच्छे डायरेक्टर और विदाउट जो अच्छी कास्टिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। जी तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी वो तो मिल जाती है, कास्ट भी अच्छी मिल जाती है और डायरेक्टर जी भी अच्छा मिल जाता है, वरना आपकी अच्छी खासी चीजें जो होती हैं वो खराब हो जाएंगी। खराब हो सकती है। जब आपने राइटिंग शुरू की थी तो राइटिंग में आप ऐसे कॉन्शियसली क्या क्या कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं? अगर ये क्वेश्चन मेरा उन लोगों के लिए है जो हु आर एस्पायरिंग टू बी राइटर, तो उनके लिए ये मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या ऐसा राइटिंग के वक्त ऐसे कोई की नोट्स हैं या की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख के ही आप कैरेक्टर्स और स्टोरीज फॉर्म कर सकते हैं? देखिए जो भी कैरेक्टर्स हैं वो आप अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है, जो आपकी इर्द गिर्द का जो माहौल है, जो आपका सर्कल है, वहां से उठाएं। वो जितने रिलेटेबल होंगे, जितने वो आम लोगों से के लोग से वो ताल्लुक रखते होंगे, उतना जी ही आपका स्क्रिप्ट जो होगा वो जानदार होगा। जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं जी उनको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द की का स्टोरीज उठाएं, ऐसी चीजें उठाएं जो कि जिससे आम आदमी रिलेट करता हो। जो जी खास कहानियां होती है ना, जो खास चीजें होती हैं जी वो उसकी उसकी व्यूअरशिप बहुत कम होती है। खास जी चीजें जो है बनती हैं बहुत कम लोग देखते हैं। आजकल कमर्शियल काम ज्यादा हो रहा है, और जी जितनी चीज जो है वो कमर्शियल होगी, हाँ जितनी वो आम होगी, जितनी वो पब्लिक से रिलेट करेगी, उतना ही लोग उसको देखेंगे। तो कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करें, वो ज्यादा अच्छे तरीके से बनाएं, अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहां से अपने कैरेक्टर्स में, और ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये ऐसे लोग हमने देखे हैं, ऐसा ना लगे कि वो मरीज हाँ के तैयार से ये तो आके कहीं पे लाए हैं एग्जिस्ट करते ऐसा। होंगे। हाँ ये कहीं पे एग्जिस्ट करती होंगी, तो ऐसी चीजें ना हो। जी और बहुत मैं आपका टाइम नहीं लूंगी, लेकिन ये आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? और अभी आपने कुछ पोस्ट डाला था पर वो उर्दू में था तो मैं समझी नहीं कि वो किस बारे में है। और आप नेक्स्ट अगर जब लिखेंगे तो उसमें कोई पर्टिकुलर फिर कोई सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्या होगा अदर देन कॉमेडी? क्या आप कोई और जॉनर लिखना चाहते हैं? देखिए अभी मैं वैसे आपको सच बात बताऊं तो मुझे मुश्किल लगता है कॉमेडी लिखना, रोम कॉम लिखना एक बहुत मुश्किल काम है। जी कि आप जो है एक छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों के जरिए लोगों के को चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आए,
एक बड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे कहेंगे ना कि एक रोता धोता सा सीरियल लिखते हैं, एक इमोशनल सा लिखते हैं, वो मेरे लिए बड़ा इजी है, वो मैं बहुत जल्दी आपको करके दे दूंगी, क्योंकि उसमें लोगों को रुलाना जो है ना वो बड़ा आसान काम है। जो आप किसी को कि चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना, ये बहुत मुश्किल काम है। जी। तो अब लोगों की जब से सुनो चंदा आया है, इश्क जलेबी आया है, चुपके चुपके आया है, उसके बाद थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं मुझसे। लोग ये चाह रहे हैं कि वो फैमिली ड्रामा ही देखें जिसमें कॉमेडी भी हो, जिसमें इमोशंस भी हो, जिसके अंदर रोमांस भी हो और सारी चीजों का तड़का लगा हुआ हो, तो एक अच्छा वो ड्रामा बने। तो मेरी कुछ चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, जिन पे मैं वर्किंग कर रही हूँ। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट की थी सुबह, वो मेरा एक सीरियल है काला डोरिया, जो कि अभी शूट पे जा रहा है मेरा। उसके बाद एक और सीरियल है मेरा, उसका नाम है हम तुम, वो भी हम टीवी से ही आएगा। वो भी उससे भी काफी ज्यादा वर्किंग हो चुकी है, तो वो बस आखिरी कुछ मराहिल में है, तो वो खत्म होने वाला है। तो वो भी जैसे ही काला डोरिया खत्म होगा तो उसको रिप्लेस कर देगा हम तुम जो है। जी। इसके अलावा मेरा एक सीरियल है जो कि बड़ा सीरियस है, बड़ा रोता धोता सा है, बड़ा एक बड़ा एक इमोशनल सा है, उसमें कोई कॉमेडी नहीं है। वो जियो से आएगा, जब्त के नाम से। ओके। हाँ, वो उसका स्क्रिप्ट मुकम्मल हो चुका है, वो भी शूट पे जाने वाला है। ओके। इसके अलावा एक और सीरियल है, वो रोमकॉम होगा, तो वो भी जियो से आएगा। उसकी अभी प्लानिंग जो है वो चल रही है, उसके भी कैरेक्टर्स के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, और फिर देखते हैं क्या होगा। तो ये तीन चार सीरियल्स हैं जो मेरे बैक टू बैक आएंगे, जो पाइपलाइन में हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हम टीवी वाले तो दोनों तकरीबन उनपे बहुत ज्यादा काम हो चुका है। जियो वाले में से एक कम्प्लीट है और एक अभी मैंने स्टार्ट करना है, उस पर मैं वर्किंग कर रही हूँ। और आप इंडिया के प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या रोशनी डालना चाहेंगी थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है कि आप थोड़ा कुछ इस तरफ कर तो रही हैं। जी, मैं कर रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं इतनी ज्यादा बाउंड हो चुकी हूँ, जो मेरी अपनी कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान में। और उधर फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही है मेरे लिए। और इंडिया की जो ऑफर थी वो लोग शूट करना चाह रही थी दुबई में या टर्की में। ओके। उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, तो देखते हैं जैसी चीजें अभी जाएंगी तो थोड़ा सा फाइनल होती है, तो फिर मैं इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। जरूर जरूर। और आपके इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी आपके कुछ तीन टेलीफिल्म्स भी आने वाले हैं। मेरी तीन टेलीफिल्म्स ऑन एयर हो चुकी हैं जियो पे। जी, जी। अभी मेरी एक टेलीफिल्म आएगी हम टीवी पे और एक टेलीफिल्म आएगी जियो से। जी। लेकिन अभी उनकी मैंने नाम जो है वो अनाउंस नहीं किए, क्योंकि जो हम टीवी वाली है वो तो शूट पे जा रही है। हाँ। जो जियो वाली है वो अभी इसका स्क्रिप्ट लिख रही हूँ मैं। ओके। तो वो दोनों भी होंगी, अभी उनका उनकी प्रोडक्शन रहती है। जी। और वो वैसे भी मुझे लगता है शायद हमारे यहाँ जो बड़ी ईद होती है तो उस पे ऑन एयर होंगी। ओके। जुलाई में। जी जी जी। तो इसी के साथ मैं आपसे और आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी अब तक मैंने आपके शोज देखे हैं, उनमें भले ही डायरेक्टर्स अलग अलग हैं, प्रोडक्शन हाउसेस अलग अलग हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन और स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, वो क्या है, कैमरामैन का। पूरे ही जितना ही मैंने देखा है, चाहे वो सीन दो लोगों का हो या लाउंज में पूरी फैमिली के साथ हो, एक भी सीन में मुझे ऐसा नहीं लगा है, सुनो चंदा से लेकर इस जलेबी तक, कि कहीं पे भी वो कैमरा में देख कर बात कर रहे हो या कैमरा को देख के उसमें डायलॉग बोल रहे हो। That is why ऐसा लगता है बैठ के कि जैसे हम किसी के घर की कहानी देख रहे हैं। It is shot so very well. मतलब it's a huge compliment and round of applause for all of the camera person. Thank you so much. सबके लिए कि ये एक बहुत ही strong point है। अगर आप मतलब क्योंकि मैं इंडिया से हूँ और हम जो सीरियल्स देखते हैं, तो अगर आप वो एक एक दो लोगों का सीन भी देखेंगे तो वो दो दो लोगों के सीन में भी आप देख सकते हैं कि वो पर्सन कैमरा के अंदर देख रहा है, और दूसरे जो बाकी लाउंज में भी है तो वो फिर सेकंड थर्ड फोर्थ है वो आप नोटिस कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे ये बोला कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लगता है कि जो कम इम्पोर्टेंट है या थर्ड या सेकंड है। तो ये बहुत ही एक कमेंडेबल बात है और मैं इस बात के लिए आपको सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। हमारे डायरेक्टर्स, हमारे स्पॉट बॉयज, हमारे जो टेक्नीशियंस, ये लोग बेचारे बड़े लिमिटेड हमारे पास होते हैं, सोर्सेस होते हैं,
उसके साथ वो लोग काम कर रहे होते हैं इतनी गर्मी में। और जब मैं कभी शूट पे चली जाऊं तो मैं कहती हूँ कि ये इन लोगों का काम है, ये जो इतनी इतना मुश्किल से वो लोग कर रहे होते हैं, बस अब स्क्रीन पे जब चीजें आती हैं तो वो बेचारे कहीं पे भी नजर नहीं ना आ रहे होते, पीछे उन हाँ सब लोगों की एफर्ट होती है। कोई जी भी चीज जब बनती है तो उसमें एक पूरी एक टीम आती है, वो इन्वॉल्व हाँ होती है, फिर उसके बाद जो सामने आती है। तो जी ये तो है, ये है बहुत मेहनती है लोग हैं, चाहे डायरेक्टर्स हैं, एडीज हैं, जी जितने भी लोग हैं, मैं देखती हूँ पीछे एक पूरा क्रू होता है तो वो सारे के सारे ही सबकी एफर्ट शामिल होती है किसी भी चीज जी में। और क्योंकि क्योंकि घर के अंदर जब आप शूट कर रहे हैं तो स्पेस कम होती है आपके पास, तो उसे उस बिल्कुल ऐसे लेवल है। पे अचीव करना बहुत बहुत बड़ी बात है। सो हैट्स ऑफ ये तो टू है। ऑल थैंक ऑफ यू एंड यू, थैंक यू इसी सो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए नेक्स्ट सीरियल के साथ मिलते हैं, फिर बात होगी आपसे, फिर डेफिनेटली नजर लुकिंग नजर करेंगे। फॉरवर्ड ठीक टू है, सीइंग यू। थैंक और आप यू सब खुश सो मच। रहें, आप सब खुश रहें, कोविड से बच के रहें एंड हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, और साइमा जी के थैंक्स शोज को सर। एंजॉय करते रहिए सो दैट आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी लाफ्टर के साथ साथ। थैंक यू हाँ, सो तो वेरी माशाल्लाह मच, बहुत अच्छी। ओके, टेक केयर, बाय बाय, इंशाल्लाह ताला टेक फिर केयर, मुलाकात होगी बहुत बाय। जल्द। ठीक है, हाफिज, लव यू। सो दिस वॉज साइमा अकरम चौधरी। वॉट अ फैबुलस पर्सन टू स्पीक टू। आई विश हर ऑल द हैप्पीनेस एंड लक एंड फेम, फॉर्चून एंड हेल्थ इन द वर्ल्ड। इट वॉज वंडरफुल टू स्पीक टू हर। थैंक यू फॉर बींग आर गेस्ट एंड गाइज वॉच हर ड्रामाज, यू विल लव इट। हेलो एवरी वन, इफ यू एंजॉयड द वीडियो प्लीज प्रेस बेल आइकन एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स। वी आर ब्रिंगिंग अप डिफरेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम द ग्लोब एंड फ्रॉम इंडिया एज वेल। Stay tuned for more updates and wait for the next guest. Stay tuned.